फिजिक्स 10+1। तो आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 4 फिजिक्स का, मोशन इन अ प्लेन। तो अभी हम बात करते हैं चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के कीवर्ड्स के बारे में। तो पहली जो वीडियोस थी उसमें हमने 1 to 11 उसके टॉपिक्स थे मेन, उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी 1 to इसके 24 मेन कीवर्ड्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 to 5 कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन की बात इसलिए की गई है कि डायरेक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन में हमने जाना हो उसको हम डायरेक्शन बोल सकते हैं। जैसे कोई कार है वो सीधी जा रही है नॉर्थ में, वेस्ट में, ये एक डायरेक्शन है। और इसमें डायरेक्शन क्यों बोला गया है, इसमें डायरेक्शन स्केलर और वेक्टर को बताने के लिए बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि स्केलर और वेक्टर जो है, स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। इसी वजह से स्केलर वेक्टर एक दूसरे से डिफरेंस है। और अभी बात करते हैं सेकंड कीवर्ड हमारा वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इनकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ये ऑबे करती है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कीवर्ड है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये स्टेट करता है जब हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की। दो साइड्स जो हैं ट्रायंगल की वो रिप्रेजेंट करती है ट्रायंगल की साइड को विद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और थर्ड जो साइड है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को विद द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है, इसको ही बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अभी फोर्थ मेन टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, जब हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें जो है विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट और देन उनका जो सम आता है, सम जो है उनका, देन देयर सम इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू द कॉमन पॉइंट। इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ। एक बार फिर से रिपीट, जब हम दो वेक्टर जो हैं, इफ़ टू वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट और देन उनका जो सम होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम जो पासिंग अवे होता है थ्रू द कॉमन पॉइंट। क्लियर है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो ज्वाइन करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को और ये डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअल पाथ पे। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो ज्वाइन करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को और डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ अंडरटेकन बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस। और हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है सबसे डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये लेस और इक्वल हो सकता है पाथ लेंथ के ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर है, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे 1 to 5 कीवर्ड्स कंप्लीट होते हैं।